हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. एक्चुअली वेलकम मी बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम रेडी टू कैच अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ. आई वेंट टू द WYF व्हिच इज द वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल व्हिच वाज हैपनिंग इन सोची रशिया. इट वाज अ वेरी वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग एटलीस्ट फॉर मी एंड आई ऑब्वियसली रिकॉर्डेड इट. सो आई वॉन्टेड टू शेयर माई व्लॉग्स एंड माई स्टोरीज एंड माई एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर. सो आई एक्चुअली वेंट विद द पाकिस्तानी डेलीगेशन दैट वेंट टू WYF थ्रू फ्यूचर टीम पाकिस्तान. दे आर द वंस हु अरेंज ऑल ऑफ दीज trips. They're the ones who led the delegation. They're the ones who consolidated everyone. It was a huge delegation and they're the ones who got everyone's documents together, helped us apply. All of that shebang was done by Future Team Pakistan and they are the ones who took me as well as my husband. Before the day of our flight, usse ek din pehle hum raat ko Rafael ka sara saman move karke and usse move karke ammi ki taraf chale gaye. That's where we slept and the next morning we headed back home to do our packing and last minute errands. मैंने आपको बोला है कि सैड गाने ना लगाएं. मैं already बहुत emotional हूँ. What are you trying to do? This is not a sad song. Here without you. What's wrong with you? The first thing we did was buy camera bags because there was just so much stuff. My cameras, his camera, dono ke tripods, power banks, mics, batteries, chargers. There's a lot. So you need camera bags when you're traveling. Why are we here? Bags nahi hai yaar. Bags nahi hai. बहुत कुछ करना है और बहुत कम टाइम रहेगा. डू यू थिंक आई शुड गेट दिस वन देन? इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? ये सेम है, बस वो कैनन है वो. या इट्स थ्योरेटिकली द सेम. या इट्स द सेम. इट हैज व्हील्स. इट हैज दिस एंड दिस. ओह देखें, अब सीन ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने बेडरूम में भी अपने रूम में भी मैंने रखा हुआ है सामान, ठीक है, मैं बाहर नहीं लेके फिर रहा, लेकिन मुझे वहां से उठा के नीचे लॉबी में लाके शूट करना है तो मुझे वायर, पावर बैंक, दिस दैट में हाथों में चले उठा के लेकर आऊंगा. मैं मल्टीपल चेक करते लगाऊंगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेके निकल रहा, मेरे पास सिर्फ एक कैमरा है. तो फिर आपके पास स्ट्रैप है? यही है कि उस पर अगर स्ट्रैप है, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो वो स्ट्रैप पे लगा हुआ है. आप कुर्सी पे बैठे हो, ओपनिंग सेरेमनी पे, वो यहाँ पे कैमरा लोड आया. उसके बाद हम घर गए. अभी भी काफ़ी सारी पैकिंग रहती थी. जाकर पैकिंग की वेट वॉज सच अ बिग इशू बिकॉज वी ओनली हैड 23 kgs अलाउड एंड वी वर गोइंग फॉर व्हाट, लाइक 20 days. दैट वॉज एन इनफ फॉर मी गाइज, नॉट फॉर मी. बट ऑन द सेम डे आई ऑल्सो हैड टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर अ ब्रांड एंड ऑल्सो एडिट इट एंड सेंड इट फॉर अप्रूवल द सेम डे. सो दैट वॉज अ बिट स्ट्रेसफुल. एंड ऑन अ साइड नोट, आई गॉट इन टू सो मच ट्रबल विद यू गाइज for making that video because honestly I didn't know that people were boycotting PSL this time. I don't use Twitter and I had not seen anything like this on my Instagram. I didn't know, but I wasn't even working with PSL. I was working with Tapal. Tapal is a brand I love. I have a wonderful relationship. I've worked with them so many times and I worked with them, but this was in association with their partnership with PSL. So when I posted that video, I got into so much trouble and people said they're unfollowing me, and that really sucked for me because I had no idea. But anyway, I had done it. It was already done and people were mad at me and they unfollowed me. But I guess hota hai, galtiyan hoti hain, so it's okay. Anyway, moving on. Video shoot karne lage hain hum log Tapal danedar ke liye. Kidhar hai Tapal? Abhi ho rahe hain 5 and we have to go back at 6:30 to go back to Rafael, meet him, relax a bit, and then we're going to head to the airport. Hamari flights alag hain. मुजम्मिल इज़ एट 2, माइन इज़ एट 4, सो वी विल बी लीविंग सेपरेटली एज वेल. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्योंकि हम लोग एज डेलीगेट्स जा रहे थे तो वी अप्लाइड सेपरेटली एज डेलीगेट्स. ऑब्वियसली द एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस वॉज फ्रॉम रशिया. दे डिडंट नो वेदर वी आर हस्बैंड और वाइफ और व्हाटएवर. सो व्हेन दे एक्सेप्टेड आवर एप्लीकेशंस, दे ट्रीटेड अस एज सेपरेट डेलीगेट्स. तो उन्होंने हमारी जो फ्लाइट्स भी बुक की वो भी अलग थी. ही वॉज टेकिंग अज़रबैजान एयरलाइंस, आई वॉज टेकिंग इत्तेहाद एयरलाइंस. एक सेकंड जरा. हाँ जी. कैमरा ठीक है. दिस इज माय बैग. यस. माउस, गिम्बल, गिम्बल का नीचे चुटकला फॉर स्टैंडिंग. ठीक है. पावर बैंक फॉर एवरीथिंग, लैपटॉप, गिम्बल, शिम्बल सब इससे चार्ज होगा. ठीक है. ये जो है ना, ये आउटडोर के लिए, ये नहीं कि आप घर भी जाके कंफी के लिए इसको लगाते हैं. लैपटॉप की वायर. ठीक है, ठीक है. यही लैपटॉप की वायर आपका गिम्बल और आपका कैमरा भी चार्ज करेगी. यहाँ पर यह आया आपका लैपटॉप. वहाँ पहुंचेंगे तो लैपटॉप को निकाल के हैंड कैरी में डाल देंगे ताकि इजी एक्सेस रहे हमें. वाओ, थैंक्स फॉर पैकिंग माय बैग. अच्छा, बारिश खराब हो गई, ये निकालो और निकाल के इसको कवर करके रख दो. ठीक है, वाटरप्रूफ. Oh.
Can I put it on my head? They're going to give you a raincoat. They literally sent a message about it. But if I don't get the raincoat, then can I put this on my head? Okay, आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें। हाँ, सेटिंग करें ना, पर प्लानिंग करें। हो गई, वीडियो शूट हो गई। All right. हमेशा एंड ऑफ द शेव क्यों याद आता है? मतलब वी वर लिटरली स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। अमेजिंग। हम आएंगे तकरीबन उधर से 9 बजे, मेरा ख्याल है 10 बजे निकलेंगे वहां से। इधर आएंगे, इधर से सामान उठा करके फिर आप छोड़ने जाएंगे, फिर हम नवाजी में लाने जाएंगे, ठीक है? नो द ड्रिल। नेबुलाइजर पड़ा? हाँ। ये। दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ भाईजान। सिरका नहीं है सूप में डालने के लिए? मिला बेबी, मिला लावा, मिला बाबा। सो वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग्स अबाउट दिस ट्रिप वाज दैट वी हैड टू लीव आवर चाइल्ड बिहाइंड and it was going to be for a long time and usually it's like if I'm traveling he's there, if he's traveling I'm there and if we do leave him together it's like for a day or two max. So this was obviously going to be very different. It was emotional, it was hard, and even though my son, he stays really happy with my mother and my brother, like he loves them and he barely cares where we are when he's there, but obviously it's difficult as parents to leave your child. There's separation anxiety, there is, you know, you're scared, all of that, it's emotional. So that was there, but that is something that we had to do. Anyway, phir dil pe patthar rakh ke Rafael ko bhi Allah Hafiz kiya. And to be honest, it wasn't as bad as I expected it to be, like as difficult for me, because I think I had mentally prepared myself over time for this moment. And I had prayed to Allah Ta'ala so much for his hifazat and, you know, for him to be happy, that I had this sense of security that it was going to be okay. Like I felt like, okay, you know, I have trusted him with Allah Ta'ala and he has heard and he has listened and it's gonna be fine. So I didn't feel like I was freaking out too much. I was sad, but I didn't feel stressed out about leaving him. So humne goodbyes kiye and then we went back to our house. Raaste mein we picked up Khayyam, because Khayyam, who is my friend and who also used to work with us and for us, used to make and edit my videos. He was also going on this trip, so we picked him up because his flight was with Muzammil. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Main to abhi kaam pe laga hu, maine kaha Ahmed se baat kar, Ahmed tere wo kaam pe kaam chhod raha hai. Kaam se sabko chhodaya. सुबह से सारे घर वाले भाग रहे हैं, पूरा घर धर्म भरम हुआ है। Are you excited, nervous? आपकी क्या feelings है please मेरे vlog के लिए? I am super nervous. बिल्कुल end पे आ गए। वजन मैंने सर्च किया वो बहुत ज्यादा हो गया 9 बजे, और उसके बाद से हमारे घर में बैग्स ही बैग्स पड़े हुए हैं और कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। और 3 किलो निकाला है, 3 किलो निकाला है और बैग से भी काफी वजन निकाला है। लाइक लिटरली मैंने एक आउटफिट पूरा निकाल के पहन लिए। हाँ, तो मैंने भी अपने हेवीएस्ट कपड़े पहने हुए हैं। दैट्स द ट्रिक। सी यू ऑन द अदर साइड। बाय। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट की। अभी तक ऑब्वियसली शूट तो कर ली थी, एडिट का टाइम नहीं मिला था, सो आई एडिटेड माय वीडियो, आई सेंट इट टू द ब्रांड एंड आई वाज सो ग्रेटफुल बिकॉज आई थॉट आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट एंड मुझे अबू धाबी के लेओवर में जाके कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट मैंने कर ली। I had a 29-hour long journey ahead of me, okay, and I was already feeling sleepy and it was, what, 12 a.m., 12:30 a.m. मैं 2 बजे एयरपोर्ट के लिए निकली। I picked up my friend Sana and then we headed to the airport to go to Russia. Are you ready, Sana? Yes. Do you mind me just putting the camera in your face like this? No, it's okay. I believe I have already signed the consent form. If I'm going with you on a trip, so. हो गया है तो भाई? ये एक ट्रॉली में ले जाएंगे या अलग-अलग? एक ही ट्रॉली कर लेते हैं। एक ही कर ले। So one fun thing that happened at the airport was that when Sana went to the check-in and she was getting her boarding pass, she found out that she was actually given a business class flight. It was such a nice, fun moment where it was such a nice surprise from Allah Ta'ala for Sana that, hey, listen, relax, have a great flight. What happened to you, Sana? I don't want to jinx it. I mean, I do have them in my hands, but I hope I don't jinx it. But yeah, unbelievable. I'm traveling business. I traveled business once. I was like, I know to make one of you when you travel. Yeah. We had an 8-hour layover, guys. 8 hours is very long. And I had gotten no sleep. I was so sleepy. I was so tired. But
sister, I can't sleep in airplanes. I just can't. So I didn't. And I went straight to the Pearl Lounge. And I was like, I'm going to sleep there. I'm going to rest. So I went straight to the lockers. I put my stuff in there. And I went and I prayed. And then I decided to take a nap in the prayer room. Lekin wahan par bachche khel rahe the aur lights on thi. So I didn't get to sleep, but I did rest my head a bit. And then I had a really, really good breakfast. The best breakfast. At the Pearl Lounge. It was so good. Oh my god. And then I chilled there, rested there, talked to strangers there, and then 3 hours were over. And you know, I'm that person jisko lagta hai ki kahin kuch likha hua hai to waisa hi hoga. Like if there are rules set, if I read them somewhere, I will just follow them. I will not even try to check around. But actually you can stay at Pearl Lounge as long as you want. Baad mein pata chala tha ki main ruk sakti thi. कभी भी 5 घंटे रहते थे. मैं सारे ड्यूटी फ्रीज पे गई, विंडो शॉपिंग की और मैंने मेकअप टेस्टर्स ट्राई कर करके अपना सारा मेकअप रिफ्रेश कर लिया. एंड आई रियली इन्जॉयड इट एंड आई टेस्टेड आउट ऑल द मेकअप दैट आई कांट अफोर्ड राइट नाउ बट आई होप टू अफोर्ड व्हेन माय यूट्यूब चैनल इज़ रियली सक्सेसफुल एंड रियली बिग एंड आई एम रियली फेमस. एंड आई वेंट एंड आई हैड लंच एंड आई कॉट अप विद करिश्मा बिकॉज़ शी वाज़ ऑन द जर्नी विद मी एज वेल. फिर वी चिल टुगेदर एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम टू बोर्ड फॉर मॉस्को. फिर हम बैठे इत्तेहाद के बड़े वाले जहाज में विच वॉज रियली रियली नाइस. I really liked the airline to be honest, but I got the worst seat, जो सबसे पीछे नहीं होती, बाथरूम के साथ वो वाली थी. I didn't hate it much to be honest, it was fine. The experience for me was fine. बस ये था कि हाँ, last one to leave the airplane and you know you have to go all the way back. But I had a comfortable, nice journey. मेरे साथ दो Russian boys बैठे हुए थे. That was my first interaction on this trip with Russians. They were really nice. Good first impressions. मैं इस फ्लाइट में भी जागी रही विच वॉज जस्ट हॉरेबल गाइज बिकॉज मैं बहुत अरसे से नहीं सोई थी और बहुत गलत किया था मैंने. फिर हम मॉस्को पहुंच गए एंड मॉस्को एयरपोर्ट थोड़ा हीबी जीबी थोड़ी ईरी वाइब्स थी. आई मीन इट वॉज नाइस, इट्स अ नाइस एयरपोर्ट. यू नो उनका जो इमिग्रेशन वाली जगह है इट्स अ बिट लाइक यू नो प्रिजन सेल वाइब्स आती हैं वहाँ से एंड बहुत सीरियस माहौल है. आई मीन आई अंडरस्टैंड वाई बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंट्री मे बी दैट्स वाई लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी बहुत सीरियस वाइब्स आती हैं. बट उसके अलावा इट वॉज नाइस लाइक देर वॉज अ लॉट देयर. बट देन वी वेटेड फॉर द एवरीबडी हु वॉज फ्रॉम आवर डेलीगेशन ऑन द सेम प्लेन टू गेट टुगेदर. द डेलीगेशन वॉज ह्यूज बाय द वे. सो कुछ कोई और किसी और जहाज में था, कोई किसी और जहाज में था. जो हमारे जिनका हमारी वाली आइटिनरी थी उनका हमने वेट किया. वी ऑल गॉट टुगेदर, वी एक्सचेंज आवर मनी एंड देन करिश्मा एंड आई वर रियली हंग्री सो वी डिसाइडेड टू ग्रैब अ बाइट फ्रॉम दिस इटालियन रेस्टोरेंट. ओह माय गॉड, सो एग्जॉस्टेड, सो हंग्री. फैंसी इज दैट? या, इट्स लाइक अ रियली फैंसी थिंग. We had a margarita pizza and seafood pasta and it was just so so good. बहुत मजे का था. हमसे रशिया में वेंडिंग मशीन नहीं हूँ, सॉरी लैंग्वेज की वजह से. No, but this is for paying by card. Okay, so for cash payment you have to insert money. Credit will be shown on the display. Do it again. इसको कैंसिल करते हैं. हाँ, ठीक है. आई थिंक द डिस्प्ले, दिस इज द डिस्प्ले. इसको कैंसिल करें. Wait. We're so lost. 144. No, this is not. This is not for that. This is for cash payment. हाँ, अब ये आ गया. ठीक है. You got fast. Yes. And then we rested a bit at those recliner chairs at our gate. But usme bhi main 15 minutes hui, which is barely nothing. And then we finally boarded from Moscow to Sochi. And that was the last leg of the trip. But guys, I can never sleep on airplanes. But jab aap bilkul bhi na soye ho na, to aap khade khade bhi so sakte ho. So what happened was that when I got on this last airplane, I slept before it even took off. I went and sat on my chair, I put on my seatbelt and I took off. I woke up when it was landing
and I did not want to wake up. I wanted and I wished in that moment ke kaash ye flight zyada lambi hoti. So more than the fact that I was finally at my destination, at that moment I didn't want to get on my destination. I wanted to sleep more, and I was like, oh my god, why are we landing? Because I had finally gone to sleep and now I'm gonna have to wake up because we've landed. And मुझे इतनी नींद आई थी गाइस कि मेरी आंखें फिजिकली खुली नहीं रही थी. लाइक आई वाज डूइंग दिस टू ओपन माय आईज एंड आई कुडंट ओपन देम. एनीवे आई फाइनली ओपन देम. हाय, गुड फेस टू हर. थैंक यू. डेल्टा सीरियस. या वी हैव द सेम वाउचर. डेल्टा सीरियस, दैट्स आवर बिग बस एंड इट्स गोइंग टू टेक अस टू आवर होटल. We looked outside, it was early morning and it was so so beautiful. It was green, it had just rained. It's a new city, so the landscape is nice, still very natural, and there's not a lot of like big buildings and such. It was sweet, it was really nice. I really liked the first vibes of Sochi. आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. आगे इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर फन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हमना रजा एट WYF. See you. Allah Hafiz.